दिस इज दुष्यंत केदार और स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज का दिन बहुत ही स्पेशल दिन होने वाला है क्योंकि मैंने जो चीज़ ऑर्डर की है वो मेरी बेस्ट चीज़ है। उससे जो प्रोफेशनल नहीं वो सरप्राइज है, वो चीज़ अभी नहीं बताऊंगा क्या है। थोड़े टाइम, 2 मिनट रुको ज़रा। वो क्या है ना, जैसे लॉकडाउन लगा है ना वैसे मेरी फिटनेस की पूरी हालत जैम हो गई है क्योंकि जिम्स सारे के सारे क्लोज्ड है और बाहर भी जॉगिंग के लिए नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे एक मेन शिशो का एक जॉगिंग ट्रैक है तो वहाँ पे एक बार मैं गया था तो अचानक से सामने से भी रोड क्लोज और पीछे से भी रोड क्लोज, मैं बीच में फंस गया। अब आगे भी नहीं जा सकता, पीछे भी नहीं जा सकता, मेरे को रेलिंग से कूद के जाना पड़ा तो बाहर का जॉगिंग भी बंद हो गया। तो मैं सोचा थोड़ा घर पर थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लूँ क्योंकि खाऊंगा बैठूंगा पीसी पे तो भाई फैलना तो है ही, और फैलना नहीं लेकिन बहुत सारे डिसीजेस कुछ बीमारी वैसे भी सिचुएशन बहुत बेकार चल रही है तो हेल्थ को भी प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है। तो अभी घर पे थोड़ा वर्कआउट वगैरह ख़त्म कर लेता हूँ और फिर तो प्रोडक्ट का मैं हमेशा ऑर्डर ट्रैक करता रहा कब आएगा। अब क्या बताऊँ, मैं फटाक से ख़त्म कर लेता हूँ और अगले काम शुरू करता हूँ। तो सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए मैंने, अभी थोड़ा फ्रेश होऊंगा, मैं फुटेज ट्रांसफ़र करके अभी का व्लॉग एडिट कर दूँगा। ओके, तो अभी डे 2 है, आज फ्राइडे है, कल आने वाला एक बार ट्रैक कर लेता हूँ। ये लाइन कब फील होगा, ये जो लाइन है कब फील होगा ये, क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकता कब आएगा और मैं कब अपना क्रिस्पी ऑडियो अच्छे से एडिट करूँगा और जो वॉइस ओवर होंगे वो बहुत ही डोप होने वाले हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। लेट्स गो टू द सेटअप। और मैं सेटअप के ऊपर भी एक अच्छा खासा रील बनाने वाला हूँ तो, लेकिन अभी तक मेरा सेटअप पूरा रेडी नहीं है, मुझे लाइट्स वगैरह इंस्टॉल करनी है सब जगह और लाइक है अच्छा है लेकिन थोड़ा और वो लेवल का नहीं है तो मुझे थोड़ा लाइट्स वाइट सेटअप करूँगा तो एक मस्त डोप वाला वीडियो एक प्रॉपर अलग से वीडियो मैं बना दूंगा इसके ऊपर कि हाउ आई बिल्ड माई सेटअप, वो सब वो जो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो सब कुछ वो मैं बनाने वाला हूँ। तो पीसी चालू हो चुका है अभी, तो अभी फ़िलहाल तो मैं कुछ एडिटिंग का काम नहीं करने वाला हूँ, मैं अभी फ़िलहाल खेलने वाला हूँ Assassin's Creed Origin। अगर को पता रहेगा ये गेम बहुत अच्छा है तो ये प्रॉब्लम ना मुझे हमेशा आता है क्योंकि मेरा जो मॉनिटर है वो 720p का मॉनिटर है और ये जो गेम है वो ड्राइवर का सपोर्ट नहीं करता। तो पहले ना लाइक मुझे ग्राफिक्स पैनल में सेटिंग्स में जाके बहुत कुछ छेड़खानी करती तब जाके गेम मेरा चलता था। तो मुझे इंस्टा रील से बहुत क्विक शॉर्टकट मालूम पड़ा कि जिससे ड्राइवर सेटअप हो जाते हैं, वो शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस बी। अभी जैसे मैं दबाऊंगा मेरा गेम स्टार्ट हो जाएगा, देखा। और ये लाइन को इग्नोर करना, ये पुराना मॉनिटर है मेरा तो ये लाइन आता है, मैं अभी नया मॉनिटर करने वाला हुआ है तो तब तक ये लाइन एडजस्ट करना पड़ेगा, यू नो ना बजट प्रॉब्लम। तो अभी गेम को खेलते हैं, तब तक देख लो। अभी खाना वगैरह हो गया और खाना थोड़ा मैंने ज़्यादा ही खा लिया है तो अभी थोड़ा हम लोग राउंड मारने आए हैं बाहर, तो ज़्यादा दूर नहीं सिर्फ इधर ही हम लोग मार रहे राउंड ताकि मतलब थोड़ा सा लाइक खाना खाने के बाद सीधा सोना नहीं चाहिए, थोड़ा छतपावली भी करना नेसेसरी है। तो हम लोग इधर उधर थोड़ा सा घूमेंगे और आपको मैं अपना स्कूल भी बताऊंगा, इधर ही आ गए तो लेट्स गो। ओके, तो यहाँ पे पूरा रेलिंग वगैरह लग चुका है और ये सामने मेरा स्कूल है, बचपन की बहुत याद है यहाँ पे, बहुत फर्स्ट टू 10 मेरा यहाँ पर ही हुआ है। हम
हम लोग यहाँ से आते थे, लाइन से ऊपर जाते थे, बहुत मज़ा आता था। मैं अपने स्कूल की एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, स्कूल की नहीं मतलब मेरी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये जो सामने जो है ना, ये रेलिंग, ये जो कंपाउंडिंग हुआ है, ये पहला कंपाउंडिंग नहीं था, सिर्फ जाली था। तो मैं कभी कभी लेट होता था स्कूल में, कभी कभी मतलब हमेशा का ही लेट में होता था, पास में रहता फिर भी लेट में होता था। तो हम लोग ना ये जाली चढ़ के हम लोग जाते थे और बस रूट के लाइन में हम लोग घुसते थे, क्योंकि बस रूट कितने भी लेट आए उन लोग को तो एंट्री मिलती थी। तो हम लोग यहाँ से कूद के बस रूट के लाइन में हम लोग ना घुसते थे, एंड देन किसी वॉलंटियर ने पकड़ लिया तो फिर पकड़ लिया, अगर किसी ने वॉलंटियर ने नहीं पकड़ा तो हम चुपके जाके क्लास में जाके बैठ जाते थे। तो ऐसा मेरा सीन था। तो कभी कभी पकड़ा जाता था, कभी कभी नहीं मैं पकड़ा जाता था। तो बहुत याद है यहाँ पे। ओके, तो आपको मैं उस चीज़ के बारे में बताता हूँ। वो चीज़ कुछ ऐसी है कि जब मैं उसे ऑर्डर करने वाला था, उसका प्राइस था कुछ 2500, लेकिन मुझे उस वक्त उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। और जब मुझे उसकी असली ज़रूरत पड़ी कुछ 3-4 महीने बाद, तो उसका प्राइस था कुछ 4-4.5 हज़ार। और फिर तब से लेके अब तक तो उसका प्राइस में कोई ड्रॉप नहीं आया, ऑलमोस्ट को एक साल हो गया था। एंड देन अचानक से मैं अपना अमेजोन का ऐड टू कार्ट जो सेक्शन होता है, अपना बैग होता है, वो मैं चेक कर रहा था। और फिर जब मैंने वो प्राइस मैंने देख, क्योंकि मैंने उसे ऑलरेडी ऐड टू कार्ट करके रख दिया था कि कभी फ्यूचर में प्राइस ड्रॉप हो तो मैं इनकेस आई विल बाई इट। एंड देन उसका प्राइस था 2500 जो मैंने स्टार्टिंग में देखा था। एंड यस, वो चीज़ है माउनो AO3 का माइक, द कंडेंसर माइक, द बेस्ट बजट माइक फॉर एवरी यूट्यूबर, एवरी टेक यूट्यूबर और जो गेमर है, जो बजट पे टाइट चल रहा है उसके लिए सबसे बेस्ट माइक है। तो मैंने जैसे ही देख लिया, मैंने फटाक से ऑर्डर कर लिया वो माइक, और अभी सैटरडे तक डिलीवर हो जाएगा। तो मैं ये वीडियो 2 दिन पहले शूट कर रहा हूँ, तो जैसे डिलीवर होगा मैं उस टाइम में आपको प्रॉपर अनबॉक्सिंग के साथ, प्रॉपर रिव्यू के साथ, उसको कैसा सेटअप करते हैं वो प्रॉपरली आपको गाइड और डिटेल रिव्यू बता दूँगा। हालांकि उसमें बहुत सारे डिटेल्स रिव्यूज़ हैं, लेकिन मैं खुद अपने लाइक जो मैं फील करता हूँ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे पास जो पहला माइक है वो BY-MM1 जो शॉटगन का माइक है, वो पहला मैं यूज़ में करता था। इवन अभी मैं व्लॉगिंग के लिए वही माइक यूज़ में करने वाला, लेकिन जो वॉइस ओवर होता है मेरे एडिटिंग में, मैं बोया का यूज़ में करता था, लेकिन वो क्वालिटी नहीं आ पाता था जो बाकी लोगों को आता था। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस के ऑडियोज़ होते वो सब मैंने इसी से शूट किए। अभी सोचा एक बार अपग्रेड कर लेते, लेकिन वो प्राइस फैक्टर ही कम नहीं हो रहा था। आई डोंट नो व्हाई वो 4000 ही था, तो एक साल से 4000 ही था। और जब अचानक से आई डोंट नो ऐसा क्यों, मैं अपने गेमिंग वीडियो के कुछ रैम PC वगैरह का कुछ इक्विपमेंट्स देख रहा था, तो अचानक से अपना बैग चेक किया तो बाप रे 2500 का प्राइस हो गया। तो मैंने फट से ऑर्डर कर लिया फट से, पर अभी देखते क्या होता है, अभी कब आता है और कब मैं आई एम वेरी एक्साइटेड। ओके, तो आज सैटरडे है, तो प्रोडक्ट तो बोल रहे अभी 9 बजे तक आ जाना चाहिए, और अभी मैसेज भी आया मुझे कि आ रहा है प्रोडक्ट, देखते कहाँ तक पहुँचा है। लेकिन मैं आपको एक बेस्ट बात बताऊँ, बेस्ट नहीं, सबसे दुखद बात क्या हुआ आप देख लो। कैन यू सी द प्राइस, ऑलमोस्ट 3600 हो गई है, और मैंने ऑर्डर किया 2500 रुपये में। मतलब एक दिन से अगर मैं चूक जाता ना, तो ये मेरे को बहुत महंगा पड़ सकता था, और शायद से मैं बाय भी नहीं करता, क्योंकि मैं एक साल से वेट कर रहा था इसका, एज आई सेड अर्लियर कि अब प्राइस ड्रॉप होगा। लेकिन एक मिनट, क्या हो रहा है, हाँ, तो जैसे मैंने प्राइस देखा तो अचानक से 3600 हो गया। मतलब एक दिन से अगर मैं चूक जाता ना, तो मेरे को बहुत महंगा पड़ सकता, एंड शायद मैं ऑर्डर भी नहीं करता है प्रोडक्ट। तो अच्छा मैंने ऑर्डर कर लिया। सो गाइस, फाइनली प्रोडक्ट आ चुका है, ये प्रोडक्ट मेरे हाथ में है, अभी थोड़ा अनबॉक्सिंग किया जाए एकदम मस्त वाला। चलो अब शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग के लिए, और इसका रिव्यू वगैरह, और मैं अपने कंपैरिजन वीडियो भी बनाने वाला हूँ, मेरा बोया का MM1 और ये माउनो का AO3, दोनों का कंपैरिजन नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। तो अभी खोलते हैं इसको। ओके,
हाय, प्रोडक्ट खोलने का टाइम आया, अभी खोलते हैं फटाक से। $2500 का बिल है और ऐसे प्राइस 3500 हो गया था, 4000 हो गया था। ये तो ऐसा कुछ माइक है, कंडेंसर, पॉडकास्टिंग माइक्रोफोन और कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स है। आप पॉज करके पढ़ सकते हो, मैं प्रॉपर वीडियो बनाने वाला है इसके ऊपर। एक तो क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं के, तो यहाँ से खुल जाओ क्या। ओ अमेजिंग अमेजिंग, मिल जाता है। ये पॉप फिल्टर है एंड दिस इज कंडेंसर। वाह, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। ये और ये शॉक माउंट एंड ये है लेकर टेबल क्लैंप जहाँ पे आप माइक एडजस्ट करने वाले हो, और ये कुछ पावर कॉर्ड्स एंड ये है सीजर आर्म। इसका क्वालिटी ना एकदम ही प्रीमियम है, एल्यूमिनियम ब्रेड है और ये स्ट्राइप्स, बाकी वायर्स अच्छे से दिखे। और एक मिनट, एंड ये है 3.5mm जैक स्प्लिटर एंड ये है हमारा माइक। ओ माय गॉड, क्वालिटी देख रहे हो भाई साहब, क्वालिटी क्या मस्त है। पूरा मेटल बिल्ड है, एक भी प्लास्टिक बिल्ड नहीं है यहाँ पे, पूरा का पूरा मेटल बिल्ड है। बहुत बढ़िया है सच्ची में। तो ये था हमारा अनबॉक्सिंग पार्ट, ये जो वीडियो में, अब इसका प्रॉपर कंपैरिजन और प्रॉपर डिटेल रिव्यू मेरा नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट करना इस माइक के बारे में, और इसका बेस्ट बाय लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, और जो भी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ लाइक मेरा बोयो का माइक हो, मेरा कैमरा हो, वो सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप वहाँ से इजीली बाय कर पाओगे। और तो बस व्लॉग ख़त्म करने का टाइम आ गया है, लेकिन जल्दी नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है। तो बाय बाय, दिस इज़ दुशान केदार साइनिंग ऑफ। Thank you.